प्रेरणा कथा, सर्वश्रेष्ठ समय, व्यक्ति और कर्म। एक समय में भारत के एक छोटे से राज्य में काशी नाम के राजा का शासन था। राजा काशी बहुत ही आदर्श और ईमानदार थे। उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी, वो भगवान के बारे में जानना चाहते थे और साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी पाना चाहते थे। राजा काशी के मन में हमेशा तीन प्रश्न उठते रहते थे। पहला, सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होता है? दूसरा, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तीसरा, सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? राजा जिससे भी मिलते वो यही तीन प्रश्न पूछा करते थे, परंतु अभी तक उनको सही और संतोषजनक उत्तर नहीं मिले थे। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार एक जंगल में से गुजर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। उन्होंने सोचा कि वो शायद किसी ऋषि का आश्रम था। राजा उस आश्रम की तरफ चल दिए। उन्होंने आश्रम में पहुंचकर देखा कि ऋषि अपने दैनिक घरेलू कामों में व्यस्त थे, साथ ही साथ वो प्रभु के नाम का उच्चारण भी करते जा रहे थे। राजा को आया देखकर ऋषि ने काम रोक दिया और राजा का स्वागत किया। ऋषि ने राजा को कुछ फल और पानी दिया और विश्राम करने के लिए भी उनके लिए एक स्थान पर आरामदायक व्यवस्था कर दी। राजा ने फल खाकर कुछ देर तक विश्राम किया। राजा ने ऋषि के साथ बहुत से आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा की। अंत में राजा ने ऋषि का आभार व्यक्त किया और उठ खड़े हुए। जाने से पहले राजा ने ऋषि से भी वो तीन प्रश्न पूछे। ऋषि ने कहा, आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर तो उन घटनाओं में ही थे जो अभी अभी यहाँ घटित हुई हैं। सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जब आपने मुझे प्रभु का नाम लेते हुए अपना काम करते हुए देखा, वही सर्वश्रेष्ठ समय था। उस समय मैं प्रभु के नाम का निरंतर उच्चारण कर रहा था, उससे अच्छा समय कौन सा हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जब मैंने आपका स्वागत किया, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। जो व्यक्ति भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने को आता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा होता है? इस प्रश्न का उत्तर तब मिला जब मैं आपको आध्यात्मिक निर्देश दे रहा था। आध्यात्मिक शिक्षा या आध्यात्म का प्रचार प्रसार करना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। इससे अच्छा कर्म और कौन सा हो सकता है? राजा को बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके तीनों प्रश्नों के इतने बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिए थे। राजा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और उन्होंने ऋषि को धन्यवाद किया और नमस्कार करके अपने महल की तरफ चल दिए। मित्रों, इस कथा से हमको स्पष्ट ज्ञान मिलता है कि प्रभु के नाम को लेते हुए अपने काम करना या समय को बिताना ही सबसे अच्छा होता है। जो व्यक्ति अध्यात्म में डूबना चाहता है और आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहता है, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। और आध्यात्मिक ज्ञान पाना या देना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। लोगों को ज्ञान देने या ज्ञान लेने से सुंदर और क्या काम हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद।